दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल और इंडिया जॉब मिल 0.2 के YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप सबको पता, आज हम बात करने वाले सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में। आपको बता दूं, सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में पल पल की अपडेट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, आगे भी आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दो। देखो, इसमें हम बात क्या करने वाले। सबसे पहली बात तो आएगी भाई, फिजिकल भैया आपके 12 महीने से ज्यादा हो गए, बल्कि आपके सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ का आपका एग्जाम कब होगा? सबसे बड़ी बात है, एग्जाम कब होगा। दूसरी बात आएगी भाई, ट्रेनिंग शेड्यूल आ चुका है, यानी कि ट्रेनिंग शेड्यूल आ चुका है, आ चुका है। कब से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, ये भी उन्होंने बता रखा है। ठीक है, दो चीज आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। देखो, बात करते हैं आपकी, सबसे पहले एग्जाम कब होगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसका अंदर एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। तो आप सबको पता है, 50 क्वेश्चन ट्रेड के होंगे, वो आपके महत्वपूर्ण रखेंगे। जिसमें तेरे 50 क्वेश्चन ट्रेड में से यदि 48 क्वेश्चन मार देना, वो आपका अव्वल और 100% उसका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि भाई 50 क्वेश्चन, अदरवाइज आपके 50 क्वेश्चन होंगे तो उनमें से तो आपके 40+ तो हर कोई बच्चा करेगा, पर आपके जो इस बच्चे ने ट्रेड के अंदर जो 50 में से 48 मारेगा ना, वो बच्चा है आपका सफल होने वाला है सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर। ये बात ध्यान रखना, सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर जो बच्चा 48 मारेगा ना, ये क्वेश्चन सफल होने वाला है। तो ट्रेड के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो मैं बता दू आपको, सफाई कर्मचारी, कुक, इन दोनों ट्रेड के क्वेश्चन में आपको यही इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कराने वाला हूँ। बहुत जल्द आपकी इन दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। देखो, बात करते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एग्जाम कब होने वाला। तो एग्जाम बता रहा हूँ, देखो जहां तक सूचना मिल पा रही है वहां तक आपकी 27 फरवरी, 27 फरवरी को एग्जाम डेट बता रहे हो, 27 फरवरी को एग्जाम डेट बता रहे हैं। ठीक है ना, 27 फरवरी को। अब बात आती है कोविड के चक्कर में। देखो भाई, तो बात ऐसी है कि कोविड यदि ज्यादा होता है ना, तो ट्रेनिंग शेड्यूल भी बदल जाएगा और सब कुछ बदल जाता है, आपको सबको पता है। पर यदि कोविड ज्यादा नहीं होगा तो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं बदला जाएगा, हो सकता है आपका हो जाए इसी आपके फरवरी में एग्जाम। तो अभी हम तैयारी किस प्रकार से करें, तो तैयारी करने के लिए बता रहा हूँ आपको कि मैथ रीजनिंग और आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। मैथ रीजनिंग की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट है, जीके की क्लास आपकी स्टार्ट है, हिंदी क्लास स्टार्ट कर दूंगा, साथ में आपको ट्रेड से क्वेश्चन भी आपको तैयार करवा दूंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक ही चीज बोलना चाहूंगा, यदि आप टेलीग्राम चैनल पर अभी नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए, क्योंकि भाइयों उसी पर मैं आपको पूरी की पूरी सारी कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ेंगे। तो देखो, बात करते हैं, इसमें आपका ट्रेनिंग शेड्यूल आ चुका है। बिल्कुल, ट्रेनिंग शेड्यूल आ चुका है, जुलाई के अंदर इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। जुलाई 2022 में सीआरपी पैरामेडिकल की आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। ये बड़ी बात आपकी है कि ट्रेनिंग शेड्यूल आ चुका है, ट्रेनिंग शेड्यूल आपका जुलाई 2022 में इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, एक बड़ी बात तो ये। दूसरी बात ये कि यदि जुलाई 2022 में होगी तो फरवरी में एग्जाम होगा, तो हमें क्या करेंगे। देखो भाई, फरवरी में यदि एग्जाम होती है तो फरवरी में एग्जाम होगी आपके, मार्च तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, मार्च तक इसका रिजल्ट आने के बाद अप्रैल में इसके मेडिकल करा लिए जाएंगे, अप्रैल में मेडिकल और ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। और अप्रैल और मई मई में, मैं बता रहा हूँ आपको, मई में इसके आपके वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके जून में इसके, बता रहा हूँ, जून में आपका बहुत ही फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं इसका मतलब। तो यदि जुलाई में ट्रेनिंग स्टार्ट है तो जून में आपको बता रहा हूँ, जून के अंदर ये आपको दे देंगे ज्वाइनिंग लेटर, यानी जून के अंदर ज्वाइनिंग लेटर इश्यू कर देंगे और जुलाई में आपको ज्वाइनिंग करा लेंगे। यहाँ पर ये ट्रेनिंग शेड्यूल बताया गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी भी यदि आप तैयारी नहीं करो तो अभी भी आप तैयारी कर सकते हो, केवल फोकस करना है ट्रेड के क्वेश्चनों के ऊपर, केवल फोकस करना आपको मैथ रीजनिंग और जी हिंदी के ऊपर। ये आपको 4 सिलेबस है ना, वो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो प्लीज आप ये चालू करो, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, और जिस बच्चे ने बीएसएफ ट्रेड से उनकी यदि कोई तैयारी करना चाहता है, वो बच्चा अब भी हमारे चैनल से जुड़ा तो चैनल से जुड़ जाए और वीडियो को शेयर जरूर कर दे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बता दो आपको, पीडीएफ आदि फ्री चाहिए, पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ेंगे। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताना मेरे भाई।